morning children, all of you stand up, join your hands and close your eyes. Get ready for your prayer. You all are going to sing with me today, okay? You all know your prayers, so you are going to sing with me. Praise God, praise God, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise God, praise God, praise Him when the sun goes down. Thank God, thank God, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank God, thank God, thank Him when the sun goes down. Good morning all of you. Say very good morning, ma'am. Yes, what we are going to learn today? General knowledge. What I'm going to teach you? General knowledge. All of you got your book? St. Xavier Arts and Craft book. Yes. You are going to see the question answers given over here. Okay? यहाँ पे general knowledge में यहाँ पे question answers है. ये यहाँ से देख के बच्चे लोग को पढ़ाना है. Today I am going to teach you question answers 1 to 5. Okay, all of you ready? Okay, you are all going to say the answer. Okay, now the first question is, what is your name? आपका नाम क्या है? रिद्धि, शिव, अयान, हितार्थ, वेद. हम जब नाम पूछते तो ऐसे बोलते हैं ना, तो हमको ऐसे नहीं बोलना है. कैसे बोलना है? माई नेम इज रिद्धि, माई नेम इज वेद, माई नेम इज शिव, माई नेम इज हितार्थ. मैम का नाम क्या है? एनी मैम. तो एनी मैम कैसे बोलेगी? माई नेम इज एनी, है ना? तो आपको जब कोई भी पूछता है, कोई अंकल आंटी आपके घर आता है तो आपको पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलना है? माई नेम इज, पूरा सेंटेंस बोलना है. आपका नाम जो भी है वो आप पूरा सेंटेंस के साथ बोलेंगे. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? तो मम्मा आपके बर्थडे पे केक लाती है ना, हाँ, तो केक के ऊपर कितने कैंडल्स लगाती है? जितना आपका ईयर्स होते. तो लास्ट ईयर में मम्मा ने आपके बर्थडे पे कितने कैंडल लगाए थे? 3 कैंडल्स, और 3 वाला ऐसे नंबर वाला भी लगाया था ना. यस, तो अभी जब आपका बर्थडे आएगा तो मम्मी क्या करेगी? 4 कैंडल्स लगाएगी, और 4 नंबर वाला लगाएगी, है ना, हैप्पी बर्थडे वाला. यस, आपको अच्छा लगता ना बर्थडे बनाना? हाँ, तो क्या बोलना है? आई एम 4 ईयर्स ओल्ड. क्या बोलेंगे? आपको कोई पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या बोलेंगे? आई एम 4 ईयर्स ओल्ड. वेरी गुड. नाउ हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई एम फाइन थैंक यू. हम क्या बोलते हैं? आई एम फाइन थैंक यू. जब हमको कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हम बोलते हैं हम अच्छे हैं. वेरी गुड. तो क्या बोलना है? आई एम फाइन थैंक यू. अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, आर यू अ बॉय और अ गर्ल? आप बॉय है या गर्ल है, तो क्या बोलना है? जो बॉयज है वो क्या बोलेंगे? आई एम अ बॉय. क्या बोलेंगे बॉयज? आई एम अ बॉय. और गर्ल्स क्या बोलेगी? आई एम अ गर्ल. अंडरस्टूड? गर्ल्स क्या बोलेगी? आई एम अ गर्ल. और बॉयज क्या बोलेंगे? आई एम अ बॉय. अंडरस्टूड? जब कोई आपको पूछता है आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो क्या बोलना है? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल. अंडरस्टूड? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? आपको सबको स्कूल का नाम पता है ना? हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट जेवियर्स. क्या बोलना है? द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट जेवियर्स. सिर्फ सेंट जेवियर नहीं बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है. द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट जेवियर्स. अंडरस्टूड? वंस अगेन ऑल ऑफ यू रिपीट. वेरी गुड. आपने सबने बोला ना, द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट जेवियर्स. वेरी गुड. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज अवर प्रिंसिपल? आपने सबने प्रिंसिपल को देखा है ना? हाँ, क्या नाम है अपने प्रिंसिपल का? फादर जॉबी. फादर जॉबी इज अवर प्रिंसिपल. क्या बोलेंगे? जब कोई आपको पूछेगा आपका स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, तो क्या बोलना है?
Father Jobby is our principal. Understood all of you? Once again, we are going to repeat all the question answers and you are going to answer me. Okay, louder. जोर से बोलना है. What is your name? Very good. How old are you? I am 4 years old. Very good. How are you? Yes, I am fine. Thank you. What is the name of your school? Very good. The name of my school is St. Xavier. Are you a boy or a girl? Yes, very good. Boys bolenge? Or girls kya bolegi? Very good. Understood na all of you? सबने answer बोल रहे हो ना? मैम को पता चल रहा है कौन बच्चा नहीं बोल रहा है? सबको बोलना है? Okay, now who is your principal? Yes, Father Jobby is our principal. So you are going to learn all these 5 question answers. And I am going to ask you next time when we meet. Okay?